Hi, I'm Menka and welcome to Khana Ghar Ghar Ka. खाने में खट्टे मीठे का कॉम्बिनेशन मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसलिए शायद मुझे गुजराती कुजीन बहुत पसंद है। आइए आज एक गुजराती दाल बनाते हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट मील है, क्योंकि उसमें रोटी भी साथ में पकती है। आप शायद गैस कर चुके होंगे, दाल ढोकड़ी। आप एक कुकर ले लीजिए, उसमें हम डाल देंगे अपनी एक कटोरी तुअर दाल, थोड़ी सी मूंगफली, नमक, थोड़ी सी हल्दी, तीन से चार कटोरी पानी। पानी थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि दाल ढोकड़ी की दाल पतली रहती है। और आप इसे तीन से चार सीटी बजवा लें। जब तक हमारी दाल पक रही है, हम अपनी ढोकली की तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल ले लें, दो कटोरी आटा, एक कटोरी बेसन, नमक एक चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको एसिडिटी या हाजमे की प्रॉब्लम है तो अजवाइन आपको बहुत फायदा देगी। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, इस मिक्सचर को आप हल्के पानी के साथ आटे की तरह गूंध लें। आटा बिल्कुल तैयार है और दाल को एक बार जरा चेक कर लेती हूँ। दाल पक चुकी है, लेकिन ढोकली की दाल एकदम सूपी और पतली होती है, इसलिए आप जरा इसे मधानी मार लें ताकि वो दाल अच्छे से मैश हो जाए और पानी अलग और दाल अलग ना रहे। परफेक्ट। दाल के बघार के लिए थोड़ा सा तेल, राई, राई को थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं, कड़ी पत्ता, आपका राई के सीड्स जो हैं वो थोड़े से क्रैकल हो रहे हैं, जल्दी से उसमें ड्राई रेड चिलीज डाल देते हैं। उसे रफली थोड़ा सा इस तरह से तोड़ लें और कड़ी पत्ता और राई के साथ क्रैकल होने दें। थोड़ी सी हींग, वन पिंच, एंड आई थिंक आपका बघार लगभग तैयार है। अब इस दाल को कढ़ाई में डाल दें। इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस जो मैंने पहले से स्क्वीज करके रखा हुआ है, इसे थोड़ा मिक्स होने दें। तब तक हम अपनी ढोकली बना लेते हैं। ढोकली के गोले बनाकर रख लें, जैसे रोटी बेलने के लिए बनाते हैं, और एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए, आपको बेलने में आसानी होगी। रोटी गोल आनी जरूरी नहीं है क्योंकि हम एनीवे उसे डायमंड शेप्स में काटने वाले हैं। चलिए, ये बड़ी सी रोटी तैयार है। अब एक नाइफ लेकर आप इसे इस तरह से एक तरफा लाइन बना लीजिए और डायमंड शेप्स में हमें इन्हें काटना है, जैसे काजू कतरी होती है कुछ उस तरह से। इस तरह से हमारे छोटे छोटे डायमंड शेप्स तैयार हैं। आप इन्हें इस बॉइलिंग दाल में धीरे धीरे ड्रॉप कर सकते हैं।
दाल पक रही है और साथ में ये भी पक जाएंगे। इसे हल्के से हिला लें और दाल में पकने दें। बिल्कुल ऐसी ही डिश बिहार में भी बनती है और उसे दाल पीठी कहते हैं। अपनी डिश टेस्ट करना मत भूलिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जाकर फिर वापस लाना मुश्किल है। परफेक्ट। थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर सकते हैं फॉर द फ्रेशनेस एंड फ्लेवर। आपकी दाल ढोकड़ी बिल्कुल रेडी है। दाल की दाल और रोटी की रोटी। दाल ढोकड़ी जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए फेम फूड को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं जल्दी हाजिर होंगी एक नई सादगी से भरी रेसिपी के साथ ऑन खाना घर घर का।